अच्छा और खबरदार शोहर, मेरी माँ ने मुझे बनाया और एक ऐसी बिठंगी औरत के हवाले कर दिया जिसने मेरी जिंदगी को समझ गया होंगे आप लोगों के दवा से मेरी जिंदगी के साथ क्या किया। पहले मैंने किचन साफ किया, फिर मैंने क्या किया, झाड़ू पोछा किया, थी मासी आई थी, फिर मैं लॉन्ड्री करूंगा और अब मैंने खाना ही पका लिया है। तो अब शायद अल्लाह ताला मेरी बीवी को हिदायत दिया हो, मुझ पे रहम करे। बहुत जालिम औरत है, इस्तग़फ़ार तो हर वक्त पढ़ना चाहिए और कभी कभी उसको गुनाह उस दुनिया में शादी की शक्ल मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम बहुत ठीक हैं, बहुत मज़े में हैं। और आज का दिन तो कराची वालों के लिए बहुत ही स्पेशल रहा, इसलिए कराची में हो गई अचानक से बारिश, जिसके बाद हो गया मौसम बहुत खुशगवार। अच्छा, मौसम खुशगवार होने के साथ साथ जो हालात नासाज हो जाते हैं रोडों के, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरी कराचीआइट। क्योंकि जब आपने घर से निकल के या ऑफिस निकल के रोड पर जाना होता है तो आपको एक अजीब सी घबराहट नजर आ रही होती है। लोग घर से भाग रहे होते हैं, ऑफिस वाले घर भाग रहे होते हैं, घर वाले कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे होते हैं। मतलब लोगों में एक बड़ा वो है, दे डोंट ट्रस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कराची बेसिकली, क्योंकि मजाक में रहा बच्चे हैं, बदतमीजी मरवा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। दूसरी बात ये कि होता ही है कि उनको घबराहट होती है, पता नहीं बाहर क्या हो जाएगा, विद इन नो टाइम कराची में कुछ हो जाएगा, रोड जाम हो जाएंगे, लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। ऐसा होता भी है वैसे एक्चुअली, बट अगर यही लोग सबर, हिम्मत और इस्तकामत के साथ अगर ऑफिस से बाहर निकले और क्यू बाई क्यू तमीज से चलते रहे, शायद कराची की हालत भी खराब ना हो। लेकिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू दिस टाउन आई हैवंट नोटिस समथिंग वेरी एन ऑड सिचुएशन के जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो या पॉन्डिंग हो। खैर पूरे कराची में इतनी बारिश हुई भी नहीं, बट अल्लाह करे जो शदीद गर्मी 3-4 दिन से पड़ रही है और हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल के बावजूद आप एयर कंडीशनिंग बहुत कंट्रोल चला रहे हैं, तो उसकी वजह से कराची का मौसम इतना तो अच्छा हो जाए कि एक दो दिन आप एसी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजार सकें। खैर हम घर आ गए, घर आके मगरब की नमाज़ रात हो रहा है, असर की नमाज़ रास्ते में निकल गई क्योंकि मैंने मदिया से कहा, मैं कहा मदिया नमाज पढ़ने, मदिया कहती जी आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन तो पहुँचे हैं, यू कैन नॉट ऑफर प्रेयर्स ऑफ असर। तो हम मगरब और असर की नमाज पढ़ते हैं और फिर करते हैं डंड रदम दिन का आगाज। जी जनाब, तो इस वक्त हो गई है हमारे टाउन में बारिश दोबारा शुरू और शहर में पानी जमा नहीं है, मगर मेरे अपने टायर से पानी जमा हो गया। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ जमा हो गया है जो मैं आपको पैरों से हिला हिला के दिखा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, बट बाहर का मौसम इज क्वाइट फार पड़ रही है कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी एंड रोडों पर भी पानी हल्का फुल्का जमा है, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैंने क्योंकि फ़ोन अपना अंदर ले लिया, इसलिए इससे पहले पानी चला जाए ख़राब हो जाए। तो बारिश इज स्टिल गोइंग ऑन और देखते हैं बारिश कब तक चलती है, बट लेट्स स्टार्ट अवर रूटीन। अच्छा जी, तो मैंने अपना कर लिया यूनिफॉर्म चेंज, बल्कि मैंने अपना बदल लिए कपड़े और मैं आ गया हूँ अपने घर के यूनिफॉर्म में, इसलिए कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ इस सैंडो में और इस साथ एक शॉर्ट पहन लेता हूँ मैं। और मेरा दिन चाह रहा है आज इतनी गर्मी है कि ऑफिस में भी कोई ड्रेस कोड ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, यू आर फ्री टू वेयर वट एवर यू वॉन्ट। बल्कि जब मैं सीमेंस चैलेंजर प्रोजेक्ट पर काम करता था तो आप यकीन करें वहाँ जो चेयरमैन और टर्किश आए हुए थे उन लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एक्सेप्ट फॉर मीटिंग से, मीटिंग में वो एक आध सूट अपना टांग रखते थे और उसके बाद वो बरमूदास पहनते थे, वो सैंडोज पहनते थे, वो टी शर्ट्स पहनते थे एंड दे आर फ्री टू वेयर वट एवर डे वॉन्ट। वो कहते थे बस काम निकलना चाहिए और हम लोग खैर प्रोटोकॉल में फंसे रह गए हैं। मैं तो बिल्कुल अंग्रेज पैदा हूँ, पाकिस्तान के तो आई प्रेफर टू लिव अ लाइफ लाइक अंग्रेज लिव। सो मेरी बीवियाँ खड़ी बहुत बुरी तरीके से नकाब के पीछे मुस्कुरा रही है। जी आप क्यों मुस्कुराई मेरी बात सुन के? आपकी बात इतनी शानदार बात है मकौन फरिया के, कि मेरे मियां कहते हैं इस कली भाई को से बनियान लेके चलूंगा मैं पाकिस्तान। फरिया से मैं कहूंगा इस व्लॉग के थ्रू बनियान लेकर आए। अब आप पूछेंगे फरिया कौन है? फरिया जो है मेरी एक अदद साली है जो कनाडा में रहते हुए भी इंतहाई उर्दू मीडियम जिंदगी गुजार रही है और बिल्कुल उर्दू मीडियम टिपिकल बिलो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी वाली जिंदगी गुजार रही है। मतलब कनाडा जाए तो इंसान अंग्रेज बन के रहे, वो वहाँ जाके भी बहुत ही पक्की मुसलमान बनी हुई है और बहुत अच्छी पाकिस्तानी है। हाँ खैर अच्छी बात है, वरना मुझ पर कोई फतवा लग जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन थोड़ा सा तो कैनेडियन टच आना चाहिए ना जिंदगी में। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों वरिया कर रहे हो दोनों? अब पॉज लग गया ना दोनों के मुंह पर एकदम से। ऐसा तो हो ही सकता कि अली अकबर अब्बास दोनों एक साथ काम करें और दोनों काम करते हैं फटा ना करें। इन लोग का बहुत ही मुश्किल है, सिर्फ 10 मिनट की हार्डली दोस्ती होती है, वो भी अली अकबर क्रिकेट खेलते में। खैर तो फरिया प्लीज ब्रिंग सम सैंडोज फॉर मी। ओके, मेरे कुलीग ने पूछा कहाँ से पहनते हैं अभी बनियाने वगैरह, तो बनियाने नहीं कहते पहले तो उनको सैंडो कहते हैं और ये ज्यादातर इंपोर्टेंट होती है। खैर मैं देखूँ बीवी मेरी पका क्या रही है। मैंने बीवी को ऑफिस से वापसी में फोन किया 2 दफा, तो उसने मेरा फोन इतना इग्नोर किया, कह रही थी आपको पता है कि हम बिजी होते हैं आप मुझे फोन क्यों करें। दुनिया की और चाहती है कि उनके मियाँ उनको फोन करें ऑफिस से, ऑफिस से निकलते वक्त, ऑफिस से आते वक्त। मेरी बीवी मुझसे कहती कि आपने मुझे फोन क्यों किया, क्यों किया, और रिसीव ना करें तो रिसीव क्यों नहीं किया। व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी?
जी क्या किया, खा लिया सैंडविच तुमने? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आप ऐसे, आपने तुम्हारे ये पूछना होता कि रील पे कितने व्यूज आए, वीडियो चली नहीं चली, वायरल कब होगी। इसके अलावा मैंने कुछ बात करनी होती है, ज्यादा हंसने की बात नहीं है। जब मैं वायरल हो जाऊंगा ना तो तुमको लिफ्ट भी नहीं कराऊंगा मैं। क्या पका रही हैं आप? समझते हैं कि अब्बा इसीलिए फोन कर रहे हैं। शट अप। आज क्या पका रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ अली अकबर की फरमाइश पे फिश का सालन। फिश का सालन, खैर नॉट साउंड मच इंटरेस्टिंग, बट देखते हैं कि जो फिश पड़ी हुई है स्कूल में वो कैसी पड़ी हुई है। अच्छा जी, फिश तो यहाँ मैरिनेट पड़ी हुई है, आई होप। खैर मुझे तो पसंद नहीं फिश, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दी। क्या, अरे भाई पूरा कूलर नहीं भरना था, थोड़ा सा भरना था। खैर जल्दी से मेकर टाइम है, हाँ गैस फुल ऑन हुई भी है। एक तो गैस की लोड शेडिंग भी शुरू जाती है, बहुत ही स्टोरेज में जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। खैर जब तक खाना बनता है जब तक मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। आज असल में मासी नहीं आई तो बेगम के घर आते मुझसे कहती है, देखिए मासी नहीं आई है, किचन का जो भी हाल है मेरे किचन में आने वाला किचन सही हो जाना चाहिए। मतलब कितनी खूबसूरत बात है, एक औरत, पाकिस्तानी औरत, मशरकी औरत अपने मियाँ से किस खूबसूरती से कह सकती है कि मासी आज घर में नहीं आई है, मेरे किचन में आने से पहले किचन सही हो जाना चाहिए। क्या आप भी ऐसी औरतें हैं? क्या भाई आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ नहीं या पता नहीं, सोच के जवाब दीजिए और कॉमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। रफी ये जो तुमने एक अपसर अपना यूज किया ना, चले जाओ जल्दी से, वॉश कराओ फेस और बेटा, स्किन एलर्जी जाती है। रफिया गो क्विकली। नहीं नहीं आपकी आईज पे लगा हुआ, फिर आई इंफेक्शन कैसे होगा? और आप ही सोच रहे होंगे कि आप ही किधर है, आप ही क्यों रहे एग्जाम, और आप ही अपने असेसमेंट की तैयारी कर रही है, और बैठिए कमरा बंद करके, बिल्कुल कमरा बंद करके। तो अब हम हो गए हैं खाने वाने से फ्री, मैंने सारा खाना पका लिया। अरे पहले किचन साफ किया, पहले मैंने किचन साफ किया, फिर मैंने क्या किया, झाड़ू पोछा किया, थी मासी आई भी आई थी, फिर मैं लॉन्ड्री करूंगा, और अब मैंने खाना ही पका लिया है। तो अब शायद अल्लाह ताला मेरी बीवी को हिदायत दिया हो, मुझ पे रहम करे, बहुत ज़ालिम औरत है। ऐसी बातों के साथ इस्तग़फ़ार तो हर वक्त पढ़ना चाहिए, और कभी कभी उसको गुनाह उस दुनिया में शादी की शक्ल मिल जाती है। क्या बात कर रही है, बहुत खूबसूरत बात की है मैंने, वाह वाह, आई लव यू राहिल अहमद टू। खैर तो आप इंतजार कर रहे हैं डिनर टाइम का, ताकि हम खाना खाएं, और बच्चों के भूख, खाना पकता नहीं, अली भूख लग रही है, जब अली कुछ समझ आता कहता मुझे भूख लग रही, भूख लग रही। आप लोग भी सोच रहे अली पर ऐसा क्यों है, इस बात का सवाल आप मुझे सोच होता है कि अली पर ऐसा। जी जनाब, तो आप फारे हो गए? और क्या हो गया? जो औरतें शोहरों का दिल जलाती हैं उनके हाथ नाक कान पांव सब जला करते हैं। और मैं दिखाऊं आपको मेरी बीवी ने किस खूबसूरती के साथ मछली का सालन तैयार किया है। बंद करना है इसे, पकना है अभी इसे। यार इतना तुमने मछली फ्राई करते हुए कोई किचन में शोर हंगामा और गंद मचाया है? कुछ भी नहीं करा है मैंने। आप बिल्कुल चुप रहे हो, कमरे में चले जाएं प्लीज। भूख हर वक्त से भूख 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 लग रही है। रफिया क्या हुआ बेटा मेरे बच्चे? कभी नहीं खाया, कभी नहीं मिलेगा, ओवर ईटिंग नहीं करनी तुमने। क्या खराब है मेरी बच्ची के साथ? ये देखें, ये एक बहुत ही ड्रामेटाइज सीन है, इसमें ये बदतमीज बच्चे बेकार में अम्मा से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैंने भी तो बदतमीजी करी नहीं। कौन जेलस? आई एम नॉट एट ऑल। मेरा बिल्ली का बच्चा, इसलिए कि ही वाज बोर्न डेढ़ किलो, जस्ट डेढ़ किलो, और से एक हफ्ते पहले मैंने डेढ़ किलो चिकन धोई थी और बहुत ज्यादा हेल्दी थी, उससे ज्यादा सेहतमंद और हेल्दी थी। कितना बड़ा है? रात को सारे काम करने के बाद बच्चों को खाना दे के, बच्चों को चीज़ें मैनेज करके, अब मैं और अपनी बीवी फाइनली खाना खाने बैठ रहे हैं। और कुछ भी हो जाए कोशिश मेरी होती है रात में बीवी की प्लेट मेरे हाथ में, बीवी को प्लेट में बना के दूँ। इतना अच्छा और फरमावरदार शोहर जो मेरी माँ ने मुझे बनाया, और एक ऐसी बिठंगी को अच्छे हवाले कर दिया जिसने मेरी ज़िंदगी को समझ गए होंगे आप लोग के जवाब से मेरी ज़िंदगी के साथ क्या किया है। सो आई विश कि आप तमाम मेरी बहनें और अपनी मियाँ से बहुत अच्छा सलूक करेंगी, अच्छा सलूक करने की, और मैं अपनी बीवी को उस वक्त दिखा नहीं सकता कैमरे में, ऐसे कि उस वक्त नकाब नहीं लगाई हुई। तो आप लोग अपने मियाँ को इंसान तो एटलीस्ट समझे ना, जो महरूमी मेरे में चाहता हूँ वो कोई और मेरा भाई भांजा भतीजा फुफा चाचा मामा ना जिंदगी ऐसी गुजारे। सो प्लीज़ कम अज़ कम उसे इंसान समझना शुरू कर दें, प्लीज़ 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 प्लीज़। और इस नोट में मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मर्दों की दुनिया में मफरत फरमा दे, और जिस तरह की बीवियों को मिली है तो ये उनके लिए जन्नत में जाने का रास्ता है। तो ये जो हमें हूरें मिलेंगी ना वहाँ इंशाअल्लाह ताला, तो हम इस जो हूरों के सरदार पाकिस्तानी वाली बीवी होगी वहाँ पर, इसको तो फिर हम ऊपर देख लेंगे। अल्लाह प्लीज़ हम पे सब थोड़ा रहम कीजिएगा।
लेकिन बस किस्मत की बात है, अब शादी हो गई, अम्मा जिस खूटे से बांध गई, अम्मा तो ऊपर चली गई हमारी, हमें फंसा और बीवियों की पार्टी हो रही, ठीक है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। कैसा बना? मैंने तुम्हारे साथ बनवाया इसलिए मुझे और कुछ था कहने वाली औरत पास से ले जहन्नुम, वहां से ले जहन्नुम। चले जी, सी यू विद अनदर व्लॉग, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।